आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंत हॉस्पिटल के अंदर, जो पूरे भारत का माना हुआ हॉस्पिटल है और पूरे दिल्ली के अंदर जो ये इस टाइप का मामला है, जो ये अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, सभी लोगों ने अधिकतर जो काली पट्टियां बांध रखी हैं और काली पट्टी अपनी जेब पे लगा रखी है और ये इस तरीके रोष प्रकट कर रहे हैं। और रोष प्रकट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है इनका कि ये काम भी कर रहे हैं और अपनी मांग भी मनवाना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार से। और सभी लोग बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर ये रोष प्रकट कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार से इनकी गुहार कर रहे हैं कि हमें जो जो भत्ते हैं वो नहीं मिल पा रहे। आइए हमसे खुद इनसे जानकारी लेते हैं। और ये पंथी ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों के अंदर यही काली पट्टी बांध कर रोष प्रकट कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम है भरतवीर, पैरामेडिकल एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट। पूरी दिल्ली के अंदर ये हालात हैं कि 1 जनवरी 2017 से जो हमारा 7th पे कमीशन लागू हो गया, लागू होने के बाद इन्होंने ये भत्तों के लिए एक कमेटी जो है गठित कर दी। कमेटी ने जो है रिपोर्ट भी दे दी, सेंटर के अस्पतालों के अंदर मिल भी गया और दिल्ली सरकार है कि आज तक इन भत्तों को लागू नहीं कर रही है। जब काटने की बात आई तो जो काटने वाले भत्ते थे उनको तुरंत काट दिया गया, लेकिन जो लागू करने वाले भत्ते थे उनको आज तक भी लागू नहीं किया गया। जिसमें जो है जो हमारे यहाँ जो जो मेन मुद्दा है हमारा जो है पेशेंट केयर अलाउंस अभी हमें 2100 रुपये मिल रहा है, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से 4100 रुपये जो है इन्होंने मुकर्र किया खुद, जबकि हमारी डिमांड ज़्यादा की थी, लेकिन डिमांड ज़्यादा तो मानी नहीं है। लेकिन जो हमें जो है 7th पे कमीशन के गजट के अनुसार जो हमें मिलना चाहिए था 4100 रुपये, वो आज तक नहीं मिला है। दिल्ली सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। बार बार हम जो है उनको इंटीमेशन देते हैं पत्र व्यवहार के द्वारा, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्रवाई नहीं है। किसी तरह का कोई इंटीमेशन हमें आज तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। आगामी योजना क्या रहेगी आपको ये काली पट्टी? अभी हमने आज है 15 तारीख को हमने विरोध दिवस मनाने के लिए ब्लैक बैजेस का प्रोग्राम रखा है। दिल्ली के अधिकतर अस्पतालों के अंदर जो है आज है ब्लैक बैजेस बांध के एम्प्लॉय काम कर रहा है। कहाँ पर किसी पेशेंट के साथ कोई भी किसी भी तरह का जो है कोई सर्विसेज में बाधा नहीं डाली जा रही है। सारे अपना विरोध जो है आज काली पट्टी बांध के कर रहे हैं और आज अपने भोजन अवकाश के दौरान 1 से 2 बैठ के सभी एम्प्लॉय अपने अपने अस्पतालों के अंदर गेट मीटिंग करेंगे, जहाँ अपने जो है वहाँ पर हम विरोध दर्ज कराएंगे। और आगामी आने वाली 27 मार्च को हम लोग जो है एक मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कैंडल मार्च होगा और अपने राजघाट से लेके और सचिवालय तक हम वहाँ जाएंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर इसमें भी सरकार नहीं मानी तो आगे की रणनीति वो बाद में जो है तय की जाएगी। क्या अभी आपने अपने आला अधिकारियों के ज्ञान में ये केस लाए हैं आप? बिल्कुल, हम जो है बार बार जो है पत्र व्यवहार के द्वारा जो है बार बार इस बात को हम जाहिर कर चुके हैं कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों के अंदर PCA नहीं लागू किया गया है। अभी सेंटर पे जो है जितने भी यहाँ अस्पताल हैं सभी के अंदर पेशेंट के अकाउंट मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार आज तक भी नहीं दे रही है। जब काटने की बारी आई, जो जो भत्ते हमारे कटने चाहिए उनको काट दिया गया। जो हमें भत्ता एक मेन भत्ता वाशिंग अलाउंस मिलता था वो तुरंत काट दिया गया। जैसे ही गजट नोटिफिकेशन अलाउंस का हुआ, उसके विदिन ए वीक ऑर्डर आ गया काटने का और वो जो है उसी महीने की सैलरी में काट लिया गया। लेकिन पिछले 1 साल से जो देने की बात थी वो कोई नहीं दिया गया। विजय कुमार जी, बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके के जब समाज की बात आती है या जो आपके जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं कि आप इन बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक बड़ी बात यह है कि जो मरीज यहाँ आए हुए हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है, उनका बराबर काम चल रहा है, तो आप किस तरीके से रोष प्रकट कर रहे हैं और आपकी क्या मांगें हैं? मैं विजय कुमार, दिल्ली सेक्टर दिल्ली का NPHA का प्रेसिडेंट हूँ और NPHA ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है कि दिल्ली के सभी कर्मचारियों, दिल्ली सरकार में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पेशेंट केयर अलाउंस, रोगी देखभाल भत्ता, जो कि दिल्ली सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। हमारी ये मांग है कि इसको जल्द से जल्द, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कई रेलवे ने कई जगह पर ये लागू हो चुका है, जबकि राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा हमारा जो गजट नोटिफिकेशन है वो हो चुका है, उसके बाद तुरंत बाद वो लागू हो जाना चाहिए। लेकिन एक दिल्ली सरकार ही इस पर चुप्पी साधे बैठी है, उसको लागू नहीं कर रही है। हमने ये ब्लैक बैचेस लगाकर दिल्ली सरकार को केवल एक मैसेज दिया है कि ये इसको जल्दी, कर्मचारियों बहुत रोष है,
वो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, हड़ताल तक जा सकते हैं। उससे पहले हमारा पीसीए और इस तरह की हमारी दूसरी मांग ये है, पेशेंट केयर हॉस्पिटल लागू हो जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जितनी भी दिल्ली सरकार के अंदर वैकेंट पोस्ट, खाली पोस्टें पड़ी है सभी कैडर की, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और पीसीए दिल्ली सरकार में जो हेल्थ में काम करता है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, चाहे कैट एम्बुलेंस है, या और बहुत से कैडर हैं, पैरामेडिकल कैडर है, ग्रुप सी कैडर है, ग्रुप डी कैडर है, सभी को मिलना चाहिए। जी, आपका जो धरना प्रदर्शन है आगामी 27 तारीख को, क्या योजना रहेगी और इस जो आप रोज प्रकट कर रहे हैं इसमें आपका कौन कौन सहयोग कर रहा है, कौन कौन से हॉस्पिटल सहयोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसके अंदर दिल्ली सरकार में कार्यरत जितने भी अस्पताल हैं उनका मेरे पास समर्थन लेटर करीब करीब आ चुका है, जिनका रह गया उनका भी आ जाएगा। वो सभी समर्थन में हैं और सभी जगह पर ये मुहिम काले ब्लैक बैचेज और गेट मीटिंग का प्रावधान चालू है। बड़ी तादाद में कर्मचारी इसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारी साथ साथ ये भी है, चाहते हैं कि कैट एम्बुलेंस ANM LUV उनको भी ये पेशेंट कह रहा हूँ बराबर मिले। जो भी NPHA की बॉडी है, MCD है, NPHA एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। हम समय समय पर कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे इसमें उठाते रहते हैं और अब 27 तारीख को हमारा ये है कि एक विशाल प्रदर्शन दिल्ली सरकार के सचिवालय तक ले जाने का प्रावधान है। आगे उसमें जैसा भी कुछ बदलाव होगा कोर कमेटी तय करेगी, उसको हम लागू करेंगे, लेकिन 27 तारीख का प्रोग्राम हमारा कन्फर्म है। कर्मचारी इसमें विरोध में शामिल हैं, सभी कर्मचारी दिल्ली के 40 अस्पताल इसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ में NPHA की जो सेंटर कमेटी है वो भी हमारी सपोर्ट में सब साथ में है। और भी हम इसमें जिनको PCA से रिलेटेड है या खाली पोस्टें हैं, कॉन्टैक्ट को रेगुलर करने की मांग है हमारी, और कॉन्टैक्ट को समान वेतन का भी प्रावधान किया जाए। ये सारी मांगें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो सब हमारे साथ हैं और वो इस मुहिम में आगे लगेंगे। पैदल मार्च रहेगा और प्रकट करेंगे तो आज कैसा, क्या शांतिपूर्ण रहेगा या उसमें किस तरीके का देखो करना चाह रहे हैं? हमारा कभी भी ऐसा नहीं है कि हम कर्मचारी जितने भी मरीज हैं मरीजों के हित में काम करते हैं, मरीजों को सेवा देने का हमारा सबसे पहला दायित्व है। उस सेवा को हम बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे, बाधित नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये आपके और साथ में क्या महिला ही भी है इसमें हमारी आपको पता ही है महिला कर्मचारी सारे साथ होते हैं, पैरामेडिकल में ग्रुप सी में महिला और जेंट्स दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्रुप में कि महिलाएं ना हो, महिलाओं का पूरा सहयोग साथ साथ है। और इसको हम 27 तारीख की है जो आपका प्रोग्राम होगा, धरना प्रदर्शन होगा पैदल मार्च, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी? महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगी, क्योंकि PCA का मुद्दा पेशेंट केयर अलाउंस उनके लिए सभी के लिए है, ये सभी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। धन्यवाद।